बैठे मेरे दोस्त और तिब्बत समर्थक जो मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा समय से इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, और मेरे सामने मेरे भाई बहन जो तिब्बत में रहे हैं, तिब्बत के बाहर रहे, जो यहाँ भारत में शरणार्थी जीवन जी रहे हैं, कि कोई भी ऑफिशियल जो दलाई लामा जी का कोई भी ऑफिशियल प्रोग्राम है उसमें कोई भी भारत सरकार का अधिकारी शामिल नहीं होगा, ये बड़ी निराशा भरने वाला था। और क्योंकि दलाई लामा तो एक ये लगाइए गांधी जी की प्रतिम मूर्ति है, और सच मायने में ये तिब्बत की आज़ादी का आंदोलन नहीं दोस्तों, ये भारत की आज़ादी का आंदोलन है। क्योंकि आपको पता है अभी कुछ टाइम पहले डोकलाम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चाइना का कितना बड़ा इंकर्जन रहा है, और वहाँ पर भी तिब्बती, मैं किसी भी तिब्बती कम्युनिटी में गया उनका हमेशा सपोर्ट मिला है, और उन्होंने कहा है कि अगर तिब्बत आज़ाद हो जाता है तो ऐसी कोई भी समस्या नहीं रहेगी, भारत और चीन की सीमा तो एक मिनट के लिए एक सेकेंड के लिए भी कभी इकट्ठी नहीं रही। ये तो जब 1959 में चाइना ने कब्जा किया और रातों रात ये एक ये क्या स्वयं निर्मित सीमा बन गई, लेकिन असल में दोस्तों वास्तविक रूप से आप जानते हैं भारत और चीन की कोई सीमा नहीं है। और ऊपर से जब भी हमने कभी भारत हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, उसने हमेशा हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। वो विश्वास करने वाला साथी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ये भारत सरकार किसी दबाव में रहती है या क्या बात है, पहले कुछ बोलते हैं लेकिन तब ये मूवमेंट तब इनकी सत्ता में आने के बाद तब इनकी बोलचाल या भाषा की टोन ही बदल जाती है, लेकिन इससे घबराने वाली कोई बात नहीं दोस्तों। हमारे पास दलाई लामा जैसा नेतृत्व हो और आप जैसे साथी, और हम तहे दिल से आपके साथ हैं। अगर तिब्बत आंदोलन के लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ी तो शहर सब तैयार हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमने रोहतक के नज़दीक में, मैं वहाँ से रोहतक से हूँ, हमने एक प्रोग्राम किया था, और तब भी हमने पूरे इलाके के माध्यम से गर्मा येसीला जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसमें हमने पूरी तहे दिल से उनको विश्वास दिलाया था कि ये तिब्बत की आज़ादी का आंदोलन नहीं, सही मायने में भारत की आज़ादी का आंदोलन है। जैसे भारत आज़ादी आंदोलन को एक भारत बाहर से सपोर्ट नहीं मिला, जापान, जर्मनी, कितने देशों ने भारत की आज़ादी का आंदोलन का सपोर्ट किया। और दोस्त ये जानते हैं सहयोग तो एक पूरक होता है, आज हम तिब्बत का सहयोग कर रहे हैं, कल हमारे पे आप बता दिए तो तिब्बती भाई हमारी आर्मी में होंगे, हमारी पुलिस में होंगे, हमारा मदद करेंगे, तो सहयोग परस्पर होता है। आज हम आपका कर रहे हैं, कल आप हमारा करोगे। लेकिन मैं बस इतने ज़्यादा मैं ना बोलते हुए बस इतना ही बताना चाहूँगा कि अब ज़्यादा अपेक्षा किसी से मत रखिए, ज़्यादा अपेक्षा अपनी ताकत से रखिए और दलाई लामा जी में रखिए, तभी इस तिब्बत आंदोलन का एक निर्णायक सोल्यूशन निकलेगा और तिब्बत आज़ाद होगा, और शहर आप वहाँ पे जाएंगे और हमें बड़ी खुशी होगी कि आज कोई भी परमिशन ना मिलने के कारण भी आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया और अपराइजिंग डे को सक्सेस किया। इसके लिए मेरा तहे दिल से आपको धन्यवाद, और तहे दिल से मैं आपके साथ हूँ। अगर हमको इससे पहले एक नारा था जान भी देंगे तिब्बत की माटी कभी ना मिल खराब होने देंगे, तो मैं बोलता हूँ दोस्तों ये जवानी तिब्बत के लिए, अगर तिब्बत के लिए हमको निछावर होना पड़ा तो सह समझ के आ रहे हैं। जय तिब्बत, जय भारत।